लेकर आए हैं आपके लिए 3 न्यू शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशंस, जहां पर आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड नहीं करना चाहते तो वीडियोस तो देख ही सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो सीधे आपको ले चलता हूं अपनी फोन की स्क्रीन पर और बताता हूं आपको कि कौन कौन सी है ये एप्लीकेशन। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो लिस्ट की जो पहली एप्लीकेशन है वो एक गेमिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप गेमिंग शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। बड़ी कमाल की एप्लीकेशन लगी मुझे, इसका नाम है गेम टॉक। प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखिए, इस एप्लीकेशन में आप अपनी शॉर्ट वीडियोस गेम खेलते हुए रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर खाली आप वीडियोस को देखकर एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी अच्छी आपको वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो तरह तरह के गेम्स की यहाँ पर आपको शॉर्ट क्लिप्स आपको मिल जाएंगे। CSGO, GTA, PUBG मोबाइल, फ्री फायर, अलग अलग गेम्स की यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी और काफी मजेदार होती हैं। या फिर आप नीचे यहाँ पर एक्सप्लोर का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके गेम की कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। हैशटैग्स के हिसाब से आप वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको अपनी वीडियोस अपलोड करनी है तो आप बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप गैलरी से अपनी वीडियो को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अपडेट्स के ऑप्शन में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, किसने लाइक करा, कौन आपको फॉलो कर रहा है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है प्रोफाइल का, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, नाम वाम चेंज कर सकते हैं। तो मुझे कुल मिलाकर ये काफी अच्छी एप्लीकेशन लगी, गेमर्स के लिए काफी बढ़िया है अगर आप गेम्स की वीडियोस देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप YouTube शॉर्ट्स या Instagram पर देखना चाहते हैं तो आपको बीच बीच में अलग वीडियोस मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर तो खाली आपको गेम्स की ही वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। तो नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है उसका नाम है लिट इट। ये भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने सारी एप्लीकेशन के दी है, उसकी चिंता मत कीजिएगा। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल आपको फीड मिलती है, यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे आपको तरह तरह की वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। बात करें नीचे, यहाँ पर एक्सप्लोर का सेक्शन भी आपको मिलता है जो कि आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर वीडियोस को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसके अंदर की वीडियोस देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा व्यूज आते हैं वीडियोस पर, तो आप भी अपनी वीडियोस अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बीच में क्रिएट का ऑप्शन है, आप क्रिएट पर क्लिक करके अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है पिक्सी। ये एप्लीकेशन पिछली एप्लीकेशनों से काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर आपको ना केवल शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है बल्कि यहाँ पर आप इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करके क्या क्या चीजें ट्रेंडिंग में, कौन कौन सी वीडियोस, कौन कौन से फोटोज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक वाइक कर सकते हैं, शेयर वगैरह कर सकते हैं। ट्रेंडिंग के बगल में यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट में कौन कौन सी वीडियोज और फोटोज अपलोड हुई हैं। NFT का भी सेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, आप यहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। बाकी आप सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे तो वीडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके तरह तरह की वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बीच में सेक्शन है अपलोड का, मैंने भी साइन इन किया नहीं हुआ, आप करके यहाँ से अपनी वीडियोस फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। एंड बाकी यहाँ पर वही ऑप्शन NFT का और लास्ट वाला प्रोफाइल का, जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन जो कि एक दूसरे से काफी अलग थी। आप अगर इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर बस का नाम लिखिए, अगर वहां से आपको नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको लिंक मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।